गाजा से लेबनान तक इजराइल ने किया सर्वनाश। हमास और हिजबुल्ला इस वक्त इजराइल से वो जंग कर रहे हैं जिसके बाद पूरे मिडल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा। इजराइल का नक्शा मिटा देंगे हमास और हिजबुल्ला। भले ही इजराइल अब तक हुए युद्ध जीतता आया हो, लेकिन अब हमास और हिजबुल्ला ने भी अपनी ताकत बढ़ा ली है। छोटा सा गाजा पट्टी और 25,000 के आसपास हमास के लड़ाके 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल पर खूनी हमले कर रहे हैं। हमास को तुर्की, कतर से भी हर तरह का समर्थन मिल रहा है। हिजबुल्ला और हमास दोनों मिलकर इजराइल पर हमला करने लगे हैं, जिसकी वजह से अब गाजा युद्ध रूस यूक्रेन युद्ध की तरह बहुत लंबा चलने वाला है। हमास हिजबुल्ला में हाहाकार, एक घंटे में मारे 100 कमांडर। पिछले 18 घंटे में इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी से लेकर लेबनन बॉर्डर तक हमास और हिजबुल्ला के लड़ाकों की लाशें बिछा दी हैं। महज एक घंटे के अंदर इजरायल ने हमास के 100 लड़ाकों को भयानक धमाके से उड़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला के 13 से ज्यादा लड़ाकों को इजराइल ने इस तरह से टारगेट करके मारा है कि मरने वाले हिजबुल्ला लड़ाकों को अपने मरने का एहसास तक नहीं हो पाया। इजराइल की आईडीएफ ने जोरदार धमाकों से हमास और हिजबुल्ला लड़ाकों के चीथड़े उड़ा दिए हैं। गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और लेबनन बॉर्डर पर इजराइल के अचूक हमलों को देखकर अरब के 22 मुल्कों में कोहराम मच चुका है। जबरदस्त और जोरदार प्रदर्शन इजराइल के खिलाफ हो रहे हैं। हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं कि कैसे ईरान इस्लाम के नाम पर मुस्लिम मुल्कों को इजराइल के खिलाफ युद्ध करने के लिए भड़का रहा है। लगभग 62 साल के ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने तो साफ कह दिया है कि हमें ऊपर वाले के नाम पर इजराइल के क्रूर हमलों के खिलाफ एकजुट होना होगा और इजराइल के भीषण हमलों का जवाब देना होगा। ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी इस बात से खौफ में आ चुके हैं कि हमास को इजराइल दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है, हिजबुल्ला के कमांडरों की टारगेट किलिंग इजराइल कर रहा है और मुस्लिम मुल्क सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। जमीन पर एक भी मुस्लिम मुल्क इजराइल के खिलाफ बड़ी जंग करने को अभी तक तैयार नहीं हुआ है। हमास की पॉलिटिकल विंग का चीफ इस्माइल हानिया कतर में बैठकर सिर्फ बयानबाजी कर रहा है, लेकिन खुद गाजा के आसपास भी फटक नहीं रहा है। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक इजरायली सैनिकों के बीच दावा कर रहे हैं कि हम हमास और उसके समर्थन करने वाले हर लड़ाके को चुन चुन कर मार रहे हैं और मारते रहेंगे। इजरायली सेना ने नेशनल सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर मेजर जनरल जिहाद मुहिसिन और उसके पूरे परिवार का सफाया इजराइल के हवाई हमले में कर दिया। गाजा से लेबनन तक इजराइल ने किया सर्वनाश। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने से पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी गाजा बॉर्डर पहुंचकर जवानों का भी जोश हाई किया है। नेतन्याहू ने सैनिकों से पूछा कि क्या वो तैयार हैं, जिसके जवाब में सैनिकों ने कहा कि वो जीत तक के लिए तैयार है। नेतन्याहू ने कहा कि पूरा इजराइल आपके पीछे खड़ा है और हम अपने दुश्मनों को तगड़ा झटका देंगे ताकि हम जीत हासिल कर सकें। אני פה עם הלוחמים של גולני, הם באים מכל חלקי הארץ, הם לחמו כמו אריות, הם לחמו כמו אריות. אתם מוכנים להמשך? כן!
אנחנו הולכים לנצח בכל העוצמה. אתם מוכנים? כן! כל עם ישראל עומד באחריכם, ואנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו כדי שנשיג ניצחון לניצחון. מוכנים? כן! עד הניצחון! היידה! लेबनन बॉर्डर पर 2 किलोमीटर खून का दरिया, ईरान, लेबनन, सीरिया, जॉर्डन और तुर्की के दम पर हमास भले ही इतरा रहा हो, लेकिन इजराइल ने दिखा दिया है कि चाहे हमास हो या फिर हिजबुल्ला, इजराइल चुन चुन कर एक एक दुश्मन को तबाह कर देगा। जरा इजराइल की आईडीएफ के हवाई हमलों के इस वीडियो को देखिए। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में हवाई हमलों में फिलिस्तीन और हमास के लोगों की इमारतें तरबूज की तरह फट रही हैं। इसराइल के तूफानी हवाई हमलों में बमों के धमाके ऐसे इमारतों को उड़ा रहे हैं जैसे तूफान में पेड़ उखड़ जाते हैं। गाजा से लेबनन तक इसराइल ने किया सर्वनाश। हमास और हिजबुल्ला की तबाही की ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों ने अरब देशों में भयंकर गुस्सा भर दिया है। इस वक्त 22 अरब मुल्क इजराइल के खून के प्यासे हो चुके हैं। इजराइल, हमास और हिजबुल्ला के बीच मची खूनी जंग हर दिन और खूनी होती जा रही है। अब तक जंग में दोनों तरफ से 5,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल में हमास के हमले में मरने वालों की संख्या 1400 से ज्यादा है। उधर गाजा पट्टी में हुई बमबारी में 3700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आईडीएफ ने गाजा पट्टी में 100 से ज्यादा हमास के ठिकानों को तबाह कर दिया है। हमास और हिजबुल्ला दोनों का मकसद एक है, दोनों इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहते हैं। हिजबुल्ला ने उत्तरी इजराइल में नरसंहार करने के लिए 5,000 स्पेशल लड़ाकों को तैयार किया है जो पलक झपकते ही इजरायली लोगों को मार सकते हैं। लेकिन लेबनन बॉर्डर पर इजरायली सेना ने 2 किलोमीटर के इलाके में मौजूद गांवों से इजरायली लोगों को हटा दिया है। हिजबुल्ला के पास ऐसे रॉकेट हैं जो इसराइल के किसी भी हिस्से को टारगेट कर सकते हैं। इसका अपना सशस्त्र विंग है जिसमें 1,00,000 से ज्यादा लड़ाके बताए जाते हैं। इसके अलावा हिजबुल्ला के पास 1,50,000 मिसाइल होने का दावा किया जाता है। हिजबुल्ला लेबनन की सेना से भी ज्यादा ताकतवर है। इसके पास बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। हिजबुल्ला हमास से ज्यादा संगठित और ताकतवर है। हिजबुल्ला के पास इसराइल से लड़ने का खूब तजुर्बा भी है। उसके पास सबसे घातक आत्मघाती दस्ते हैं। गोरिल्ला युद्ध में इसके लड़ाके माहिर बताए जाते हैं। ऐसे में अब देखना होगा इजराइल एक साथ हमास और हिजबुल्ला का सफाया कैसे करता है।